एक गांव में तीन भाई रहते थे। तीनों के पास अलग-अलग शक्ति थी। पहले भाई पे ये शक्ति थी कि उसके पास पानी की शक्ति थी। दूसरे के पास ये शक्ति थी जिसके ऊपर वे बैठ कर रोता वे चीज गायब हो जाती थी। तीसरा भाई गायब हो जाता था। एक बार जब वे जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक बगीचा दिखा और वे बगीचे की तरफ जाने लगे। बगीचे के दौरे एक पेड़ आया और वह भाई उसके ऊपर बैठ के रोने लगा और वह गायब हो गया। और दूसरे भाई ने अपनी जादू से पानी को बर्फ कर दिया और वह तीनों उसके ऊपर जाने लगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। फिर जैसे वे आगे बढ़े तो उन्हें पुल दिखा। पुल बहुत कमजोर था तो तीसरा भाई उन्हें उड़ा के ले जाने लगा। ऐसे आगे जाते हुए वह एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में एक तांत्रिक रो रहा था। भाई ने कहा, तांत्रिक कि तुम क्यों रो रहे हो? ने कहा, इस गांव में बहुत सारी परेशानी है जो वो चुड़ैल कर रही है। मैं पता है तुम्हारे पास शक्ति है, तुम उनको मार डालो वरना वे सब तहस नहस कर डालेंगी। ठीक है, हम तीनों भाई उसको चुड़ैल को मार डालेंगे। और अब वह वहां से चले गए। वो वे वाले गांव में पहुंच गए जहां पर चुड़ैल रहती थी। जैसे ही वे वहां पर पहुंचे उनके आगे चुड़ैल आ गई और चुड़ैल ने उनसे बोला, हाँ, मैं तुमको खा जाऊंगी। फिर उसके भाई ने बोला, नहीं, हम तीनों तुझको खत्म कर देंगे, आ जाओ। फिर वह एक जंगल में आ गए और जंगल में लड़ने लगे। तीसरे भाई ने पानी का हमला करा और वह उसके ऊपर रोने लगा और उसे गायब कर डाला। ऐसे उन्होंने उसको मार डाला और फिर वे तांत्रिक के दौरे चले गए और उससे कहा, कि हमने उस चुड़ैल को मार डाला। फिर तांत्रिक ने कहा, अच्छा हुआ तुमने उसको मार डाला, अब चैनल सब्सक्राइब करवा दो।